हैदराबाद के एक युवक ने अपनी पत्नी की तलाश के लिए सीएम वसुंधरा राजे से मदद की गुहार लगाई है। केबी विनय बाबू हैदराबाद के एक बैंक में काम करते हैं। उनका आरोप है कि अंतर्राज्यीय विवाह की वजह से पत्नी के मायके वालों ने एक महीने पहले पत्नी को अगवा कर लिया था और जोधपुर ले जाने की धमकी दी थी। तब से विनय का अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। ऐसे में विनय बाबू को किसी अनहोनी की आशंका है। 2013 में विनय बाबू और ममता हैदराबाद में शादी उनकी हुई थी। पड़ोसियों के मुताबिक विनय की पत्नी को कुछ लोग जबरदस्ती ले गए थे। जोधपुर पुलिस ने तेलंगाना पुलिस के साथ साझा कार्रवाई भी की, लेकिन ममता का पता नहीं चला। ऐसे में पीड़ित ने अब सीएम से गुहार लगाई है। तेलंगाना में इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध है, तो तेलंगाना की पुलिस यहाँ पर उसकी तलाश के लिए आई थी बिलाड़ा में, उसके गांव के लिए। तो उन्होंने पहले बिलाड़ा थाने में संपर्क किया था। बिलाड़ा थाने में तेलंगाना पुलिस के पुलिस अधिकारियों को हर संभव सहायता दी गई। हमारा अधिकारी साथ भेजा, हमने हमारा जाप्ता साथ भेजा और जहाँ जहाँ भी उसकी संभावना थी वहाँ वहाँ पर हमने इसकी ममता की तलाश कराई।